Welcome back to my channel. My name is Megha and in my today's video I'm going to do a review on Mamaearth onion shampoo and conditioner. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. इसमें मैंने दोनों चीज़ें अपने पैसे से खरीदी है तो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने पहले यूट्यूब में मामाअर्थ के अनियन रेंज के प्रोडक्ट्स एकदम छाए हुए थे. हर कोई इनके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दे रहा था सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट. तो मैंने इस रेंज के अनियन शैम्पू कंडीशनर एंड ऑयल को ऑर्डर कर दिया था. मैंने इन्हें 3 महीने तक यूज़ किया है. I think I can give an honest review on these 3 stuff. So without any further ado, अब let's get started. मैं ऑर्डर करने गई थी तो मैंने रिव्यू सेक्शन में देखा था कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि इस शैम्पू ने उनके बालों को ज़्यादा फ्रिजी बना दिया और हेयर फॉल बढ़ा दिया. बट आई फेल्ट कि यूट्यूबर्स सारे फेमस यूट्यूबर्स इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं तो कुछ तो होगा. तो आई वेंट आउट एंड ट्राई इट ऑन माई सेल्फ. तो हम अपने से स्टार्ट करते हैं पहले शैम्पू से. ये शैम्पू पूरा खत्म हो चुका है. तो ये है मामाअर्थ का अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट केराटिन. इट इज पैराबेन एंड SLS फ्री एंड इट इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स. ये क्रुएल्टी फ्री भी है और आपको ये 250 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा फॉर 349 rupees, विच इज़ अ गुड डील फॉर केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक शैम्पू. अब मैंने इस प्रोडक्ट को पूरा यूज़ किया है, 3 महीने तक यूज़ किया. जब मैंने इसे पहली बार यूज़ किया था तो मेरा हेयरफॉल जितना होता है नॉर्मली उससे बहुत ज़्यादा हुआ. एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये प्रोडक्ट इज मेंट फॉर हेयरफॉल कंट्रोल और ये मेरे बालों में हेयरफॉल बढ़ा दे रहा. बट मुझे लगा कि शायद पहली बार इसीलिए ऐसा हुआ होगा. मैंने इसे 2 बार 3 बार 4 बार यूज़ किया है. मैंने इसे बहुत बार ट्राई किया बट फिर भी मेरा हेयरफॉल और रहा और हेयरफॉल कम होता ही नहीं था. जब जब इसे यूज़ करती थी बाल में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता था एंड मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो गए थे इसे यूज़ करने के बाद. इस शैम्पू ने लिटरली मेरे बाल को इतना ड्राई रफ फ्रिजी बना दिया था. बहुत बार चांस दिया है कि कभी तो ये वर्क कर जाएगा बट इसने कभी वर्क नहीं किया. हमेशा इसने मेरे बाल में हेयरफॉल बढ़ाया है और बालों को फ्रिजी बनाया है. बट एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अजीब लगी यूट्यूब पे, इसके बारे में कहीं नेगेटिव रिव्यूज़ है ही नहीं. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में स्पॉन्सर्ड रिव्यू दिया है और उन सभी के लिए इस प्रोडक्ट ने काम किया है. बाकी एक ही दो जगह है जिन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है और उनके लिए इस प्रोडक्ट ने सही में काम नहीं किया. उनके लिए भी इस प्रोडक्ट ने उनका हेयरफॉल बढ़ाया है. तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए. मामाअर्थ के बाकी प्रोडक्ट्स भी मैंने ट्राई किए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से. अगर आपको शैम्पू अच्छा चाहिए तो आप कोई और रेंज का शैम्पू ट्राई कर सकते हैं बट नॉट दिस वन. एंड टॉकिंग अबाउट द कंडीशनर, इस कंडीशनर को मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया. ये हाफ ही यूज़ हुआ होगा बिकॉज एक तो मैं ज़्यादा कंडीशनर्स यूज़ करती नहीं हूँ बिकॉज दे आर प्योर केमिकल्स एंड ये आपके बालों को इनिशियली तो बहुत सॉफ्ट बना देते हैं बट लॉन्ग रन में आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे. ये कंडीशनर भी 349 rupees का है, 250 ml एंड इट इज़ सिलिकॉन फ्री. बट एंड इसमें कोकोनट है, अनियन एंड कोकोनट है. बट आई फील कि कंडीशनर हेयरफॉल कंट्रोल कैसे कर सकता है, इसे तो आप अपने स्कैल्प पे भी नहीं लगा रहे. और मुझे इस कंडीशनर का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लगा. ये क्रीमी नहीं है, शायद इसमें सिलिकॉन नहीं इसीलिए, बट आई डोंट नो. एंड ये आप इसका शैम्पू आपके बाल को काफ़ी ज़्यादा रफ बना देगा और इसका कंडीशनर आपके बालों को नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं ला सकेगा. ये कंडीशनर बिल्कुल ही यूज़लेस है, आप इसे लगाए ना लगाए फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो मेरा मानना है कि आप 349 rupees अपने बालों में कुछ असर होने के लिए, ना होने के लिए तो नहीं देंगे. तो ये कंडीशनर भी मेरे साइड से थम्स डाउन है. आई एम रियली अपसेट टेलिंग कि अनियन मामाअर्थ के अनियन रेंज के शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों ने मेरे लिए बिल्कुल ही वर्क नहीं किया. दोनों ही प्रोडक्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है. मैंने जब इन्हें लिया था तो मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा होप्स थी बट ये बिल्कुल ही प्योर वेस्टेज ऑफ मनी निकले. बिल्कुल ही काम के नहीं थे ये दोनों प्रोडक्ट. बट आई फील कि इस रिव्यू के बाद आप लोगों का पैसा बच जाएगा ऑब्वियसली. तो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.